लुधियाना दे सैकड़े साल पुराने इस इतिहासिक दरेसी ग्राउंड दे दशहरे मेले विच इस बार 105 फुट दा रावण तैयार किया जा रहा है। रावण दे पुतले नू बनाउन लई स्पेशल कारीगरां नू आगरे तो बुलाया गया है, जो महीना पहले इत्थे आ चुके हन अते हुण तक रावण नू 50% दे करीब तैयार कर चुके हन। रावण नू बनाउन लई जिस सामग्री दी वरतों की जाती है, वह भी स्पेशल आगरे तो ल्यांदी जाती है। रावण बनाउन वाले कारीगर ने दस्सिया कि करीब 20-25 सालों तो वह इत्थे रावण बनाउन लई आउंदे हन। उन्होंने कहा कि रावण नू बनाउन दे लई करीब 40 दिन का समय लगता है अते इस विच वरती गई सामग्री भी वह आगरे तो ही लेके आउंदे हन। उन्होंने कहा कि यह दरेसी ग्राउंड लुधियाना का हुण तक दा सब तो वड्डा रावण तैयार हो रहा है। उत्थे ही कॉन्ट्रैक्टर ने दस्सिया कि इस बार स्पेशल 105 फुट दा रावण तैयार करवाया जा रहा है। उत्थे ही दूजे पासे मेले नूं लैके पूरे पुख्ता प्रबंध भी किए गए हन। मेले विच आउण वाले बच्चियां अते होर लोकां लई मनोरंजन वास्ते झूले आदि तैयार किए जा रहे हन। उन्होंने प्रशासन वल्लों पूर्ण सहयोग होण दी भी गल आखी है। बनाने के लिए लगदा 40 दिन किस एक या तीन जो ये रावण का पुतला बनाते हो आप, इसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हो आप? ये बांस बल्ली बल्ली लगती है, बांस लगती है। तो इसमें आपकी आमदन का जो खर्चा निकलता है सारा? हाँ। आपको दिहाड़ी देते हैं क्या? दिहाड़ी देते हैं मतलब। तो जैसे आपकी रोजी रोटी चल रही है यहाँ पे, आपको कितने साल हो गए यहाँ पर काम करते हुए? अब तो 3 साल हो गई मैंने। आप बोल रहे थे 15 साल से कर रहे हैं? ठेकेदार कर रहा था। ठेकेदार से अभी 3 साल से? हम 3 साल से आए। अच्छा, कितनी लेबर टोटल काम कर रही है आपके पास? 30-35 आदमी है। 30 जैसे कि ये तो रावण फिर आप लोग वो तो गांव में रिक्शा फिर चला लेते हैं हम। मतलब ये जब दशहरे का त्यौहार आता है तब ये बनाते हैं? मतलब रिक्शा चला लेते हैं, जूता फूता काम कर लेते हैं, अब जल्दी जम पाते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पर मेला देखने आए हो, मेला भी देखते हो और साथ में ये अपना काम भी करते हो, मूर्ति भी बनाते हैं आप आगे? ये मूर्ति में और क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है? कागज है और क्या क्या? अखबार है और अखबार है, बांस है, बल्ली है। तो इसमें जो हाँ रावण की जो लंका बनाई जाती है वो भी इसी बांस के? एक ही चीज़ है मतलब, सब एक ही चीज़ बनते हैं। और उसमें क्या क्या लगा जो बनता है, क्या क्या चीज़ और बनाते हो लंका में? लंका में चीज़ बनते हैं, लंका में वो बनाने पड़ते हैं। तो जैसे बहुत माना हुआ है लुधियाना का ये दशहरा ग्राउंड में? यही है। आज तक आपने सबसे ऊंचा रावण कहाँ कितने फुट का बनाया हुआ है? 105 फुट का है ये तो। 105 का, इससे बड़ा भी आपने कभी बनाया? यही है, बड़ा सबसे बड़ा यही है। तो इसमें जो 10 मुंह लगते हैं उसमें बम्ब? 9 लगते हैं। और इसमें क्या क्या इस्तेमाल करते हो? बम्ब का इस्तेमाल करते हैं और क्या होते हैं? गोला होते हैं, गोला। उसकी धमक भी होती है, आवाज़ भी होती है। तो और क्या इसमें इस्तेमाल होता है? जैसे कि भड़कना लग जाते हैं, छुट्टी भड़कना हो जाते हैं, बच्चे लगते हैं, गोली लग जाते हैं। जैसे उसके पहले अस्तबाजी वगैरह चलती है, वो लोग भी आप तैयार करते हैं? हाँ यार। तो ये मटेरियल कहाँ से लेकर आते हो सारा? ये पूरा आता है आगरा से। सारा आगरा से लेकर आते हो? आपने यहाँ पर ठेके लिए हुए हैं, ठेकेदार ने? यहाँ से खत्म हो जाता है, नीचे जाता है। तो अच्छी आपकी आमदन चलती है यहाँ से? रोटी रोजी रोटी चल रही है? यहीं से बढ़िया चल रही है। हाँ जी भाई, की नाम है तुहाड़ा? जिहड़ा दशहरा मेला जिहड़ा कि पिछले काफ़ी सालों तो चलता रहा, किन्ने सालों तो जिहड़ा कि रावण किन्ने फुट का बनाया जा रहा और इहदे विच लागत किन्नी आ रही है, जिहड़े झूलियां दा लोकां लई लैके आए हो, की इंतजाम किए गए हैं? मेरा नाम अजय पाल दसावर है जी। मैं ते मेरे वड्डे वीर विपन जिंदल जी, असी कॉन्ट्रैक्टर हाँ जी दरेसी दशहरा मेले दे। पंजाब दा सब तो इतिहासिक मेला है, तकरीबन 200 साल पुराना इस मेले का इतिहास है। लुधियाने शहर की सिरजना जाती हुई हुई है, उदों की दरेसी ग्राउंड के इतिहासक भगवान श्री राम का जिहड़ा मेला चलता आ रहा। तो तुसी देखोगे इस बार मेले के 105 फुट का रावण जिहड़ा आगरे तो खास जिहड़े कारीगर बुलाए गए हैं उन्होंने बनवाया जा रहा, बहुत ही शानदार उन्हां दी कारीगरी है, उन्हें अपनी बखूबी तरीके निभा रहे हैं। तो तुसी देख रहे हो इंतजाम पूरे है, अज तो मेले का आगाज कर जा रहे हैं। ये जी लेबर के किन्ने बंदे जिहड़े कारीगर काम करते हैं और किन्ना समय लगता है जिहड़े रावण दे बुत बनाए? 40-45 बंदे लेबर के काम करते हैं जी, जिहड़ा रावण बन रहा है। तो 2.5 से 3 महीने हो गए उन्होंने लग्या नूं, हजे भी तुसीं देख रहे हो इनकम्प्लीट है, तकरीबन 10-12 दिन होर लग जाणगे। हजे मेले दीआं तैयारियां नूं गल करदे हां, तुहाडे वल्लों झूले भी लगाए गए हैं, लोगों के मनोरंजन वास्ते काफ़ी इंतजाम किए गए हैं, और प्रशासन वल्लों किस तरह की मदद की जा रही है? देखो जी, भारत का सब तो मशहूर अजूबा जादू इस बार दरेसी के ग्राउंड में लगाया जा रहा। वधिया तो वधिया विदेशी झूले कुछ लग गए ने, कुछ आ रहे ने,
सिक्योरिटी का, पुलिस सिक्योरिटी का बहुत वधिया प्रबंध है, प्रशासन वालों पूरी मदद मिली है, हर तरह की परमिशन दी गई सानू, आप आके मतलब पूरा सहयोग दिता प्रशासन ने, 30 to 40 जिहड़े कमांडो दिते गए है सानू सिक्योरिटी वास्ते, तो बहुत धन्यवाद है प्रशासन का भी तो सरकार का भी, राम जी का कमेटी ने भी पूरा सहयोग किया, बहुत ही इतिहासक मेला, लोगों अगे बेनती है लुधियाना निवासियों लई आओ दशहरा दरेसी का देखो, दशहरा जिहड़ा मेला वा दरेसी का सब तो इतिहासिक सब तो खूबसूरत मेला भारत के इतिहास, पंजाब के इतिहास, लुधियाने के इतिहास, इस तो पुराना तो इतिहासिक कोई मेला नहीं है, मेले मेले बहुत लगते इन्हों की छत्र छाया के होर मेले भी जोड़े लगते हैं संपूर्ण के, लुधियाने का जोड़ा इतिहास है वह दरेसी तो शुरू हों, जी लुधियाने की इतिहासिक चीज़ा दरेसी घंटाघर जी इतिहासिक चीज़ा इन्हों तो ही जोड़ा दरेसी का दे लुधियाने शहर का नाम चलता है, तुम सारे जानते हो, सारे का बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान राम के आशीर्वाद ना सारे आओ तो मेले का आनंद माणो।